This is Brand Max Network India, and you are watching News India Now. बरगाड़ी कांड के बाद एक बार फिर से गुटखा साहिब की बेअदबी का ताजा मामला जिला फिरोजपुर में सामने आया है, जहां शहर के गोलबाग इलाके में बने एक गुरुद्वारे में गुटखा साहिब की बेअदबी का मामला प्रकाश में आया है, जहां गुरुद्वारे के ही पाठी की पत्नी के द्वारा गुटखा साहिब की बेअदबी का मामला तब सामने आया जब गुरुद्वारे के ग्रंथी की पत्नी द्वारा अपने बच्चों को गुटखा साहिब के फाड़े गए अंगों में रोटी पैक करके दिया जा रहा था, जिसके बाद गुटखा साहिब के फाड़े अंग एक निजी स्कूल के बाहर पड़े मिले, जिसके बाद इस बात का पता चला कि स्कूल के बाहर गुटखा साहिब के अंगों में गुरुद्वारे के ग्रंथी के बच्चों को रोटी पैक करके भेजा जाता था। इस मामले के संबंध में महिता फेडरेशन के भाई जसपाल सिंह ने बताया कि फिरोजपुर के कंबोज नगर में पता चला कि एक निजी स्कूल के बाहर गुटखा साहिब के अंग बिखरे हुए मिले, जिसको लेकर महिता फेडरेशन के मेंबरों ने बताया कि कैंट फिरोजपुर के गुरुद्वारे में सेवा कर रहे ग्रंथी गुरदित सिंह के घर की रसोई की तलाशी करन पर गुटखा साहिब के अंग मिले हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने ग्रंथी समेत उसकी पत्नी को भी काबू कर लिया गया है। सिर्फ इन्हें ही कहना चाहना है कि गुरु ग्रंथ साहब जी जी पूर्णरात्रि ग्रंथी सिंह ने खेती है, ये मगर कोई डूंगी साजिश आ, इवें नहीं हो रही। कोई आम बंदा करता तो असी वह भी हों भी चलो भी अनजाने अनजाने पुणे में होगी, ये जानबूझ के की जा रही है। ये मगर कोई हैगी, असी प्रशासन तो यही मांग करते हैं भी यदा तय तक जाके ये मगर कौन कि बंदे का हाथ है, कि बंदा इन्हों करा रहा। मगर यह ना की सी जिन्होंने अभी फड़ाया, ये तो गुरतित सिंह जी कितने अपने करता सिंह बाग वाली बस्ती रह जा गोलबाग ले रहे सोनी खालसा गुरुद्वारे सेवा कर रहे हैं। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.